काम का पॉइंट है आपके। देखो एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो गैप्स होते हैं ना, गैप्स वो तीन तरह के होते हैं। मैं हालांकि मैंने क्लासेस में समझाया है पर मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। जो गैप्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से गैप होते हैं? एक होता है इनिशियल गैप। इनिशियल गैप का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और नीचे आते हुए सडन वो ऊपर खुल जाता है। सडन जैसे ये खुला है, देखो नीचे आ रहा है मार्केट और सडन ऊपर खुला, ये जो खुलना होता है इसको बोलते हैं हम इनिशियल गैप। और इसको भरने के लिए मार्केट रेयर केस आता है, नीचे रेयर केस आएगा मार्केट नीचे। मैं पोजिशन में हटा देता हूँ, 100 बचे हैं, ठीक हो, एग्जिट कर देते हैं, एक मिनट और भी एग्जिट कर देता हूँ इसको, 50 छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आप तो मार्केट में समझते हैं कि ये आपका जो गैप है इसे बोलते हैं इनिशियल गैप। इनिशियल गैप का मतलब क्या है? देखो मार्केट नीचे आया और नीचे आके सडन ऊपर खुलता है, तो ये इसको हम बोलते हैं इनिशियल गैप। इसे भरने के लिए मार्केट रेयर केस आता है, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आएगा ही नहीं, लेकिन कम से कम 99% चांस है कि मार्केट नहीं आएगा। बाद में कभी आ जाए लेकिन अभी नहीं आएगा। तो अगर मार्केट एक गैप अप खोलता है तो आप इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के और मार्केट को आराम से चलने दे सकते हैं। कल भी आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपका कोई स्टॉप लॉस कटा में नहीं होगा। आज भी अगर इसके नीचे आप एसएल के साथ में चलेंगे तो ये कटने वाला नहीं है और मार्केट अपने मूव लेने के लिए रेडी हो रखा है ऊपर की तरफ। मैंने बोला था मार्केट या तो ऊपर खुलेगा या गैप खुलेगा या साइडवेज खुल के कहीं से ऊपर चलेगा। तो इसको पॉइंट को मैंने कल वीडियो में भी बोला था ये पॉइंट कि मार्केट अगर ऊपर जाने की बजाय, गैप अप खोलने के बजाय थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि मार्केट है अपनी वेव पूरी कर रहा है, तो अब इसके ऊपर वेव पूरी हो जाएगी कि नहीं, क्यों ना प्रीति जी बताएं? यस सर, बिल्कुल होगी सर। तो अब मार्केट में एक बाय निकल सकता है, हालांकि मैंने अपने ट्रेड ले लिए हैं पर फिर भी एक आराम से अच्छा बाय निकल सकता है। ये देखो मैंने छोड़ा हुआ, मैं दिखा देता हूँ इसको, ट्रेड तो मैं सारे ही दिखाता रहता हूँ। देखो नुकसान भी होते हैं, आज मैंने काफी दिनों बाद ट्रेड किया, बहुत दिन हो गए, शायद 6-7 या 2 हफ्ते हो गए आसपास ट्रेड करे हुए। तो देखिए ये नुकसान भी है, ये नुकसान भी, ये नुकसान भी, ये नुकसान भी, 4 ट्रेड नुकसान। और लगभग कितने का नुकसान आपको दिख रहा है? 18 प्लस 7 कितने हो गए? 25 26 27 28 लगभग 28,000 का लॉस। और उसके बाद हम कवर कुछ करके बैठे हैं थोड़ा थोड़ा, तो अभी मार्केट बाय नहीं है, इसे चलने देते हैं, इसे कुछ नहीं छेड़ते हम। तो अब पॉइंट पे आते हैं वापस कि हमारा जो एक इनिशियल गैप होता है। हाँ जी कुछ बोल रहे? हाँ जी, एक पॉइंट नोट करना कि मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आते हुए सबसे पहले जब गैप अप खोलता है, माइक को बंद कर ले, अनिल जी माइक बंद कर ले, ठीक है। तो मार्केट जब गैप अप खोलता है तो इसे बोलते हैं हम इनिशियल गैप। ये इनिशियल गैप सबसे अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर ये इनिशियल गैप खुला है और मार्केट अगर ऊपर चलने लगता है तो मार्केट जल्दी से नीचे नहीं आएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा और बहुत रेयर केस चांस है कि आपका एसएल काट के जाएगा, नहीं तो आपका एसएल कटेगा ही नहीं। कल भी आपको एक अच्छे खासे पॉइंट मिले होंगे, मैंने ट्रेड नहीं किया था लेकिन आप अगर किया होता तो आपको अच्छे ट्रेड मिले होते यहाँ पर। अब मार्केट में ये तो हुआ इनिशियल गैप। इनिशियल गैप को ट्रेड करने का सिंपल तरीका, जहां पर मार्केट खुला है जो नीचे वाली कैंडल है उसके जस्ट नीचे, लो के नीचे आप अपना एसएल डाल दें। ये कटना बहुत रेयर केस काम है, लेकिन अगर मार्केट किसी रीजन से नीचे आ जाए तो इससे कटे नहीं, इसको एवरेजिंग करे। एवरेजिंग करके ये मार्केट 100% ऊपर चला जाता है, रेयर केस कोई चांस होगा कि लॉस होगा, नहीं तो लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट को कि ये आपका है इनिशियल गैप। अब सेकेंड हुआ आपका मीडिएटरी गैप। मीडिएटरी गैप का मतलब आपके पास क्या है कि मार्केट आ रहा है नीचे, ये मार्केट आ रहा है नीचे और नीचे आते हुए मार्केट ने चलना शुरू किया। सपोज कोई इनिशियल गैप नहीं बनाया, कोई इनिशियल गैप नहीं बनाया, अब मार्केट ने ऐसे गया और अब गैप अप खुला। ये जो बीच का गैप होता है इसे बोलते हैं मीडिएटरी गैप। ये जो मीडिएटरी गैप है इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? मीडिएटरी गैप को अगर आप कभी भी ट्रेड करोगे तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि मार्केट को गैप कवर कर लेने दो, कर लेने दो। अगर मार्केट ने गैप कवर नहीं किया तो मार्केट आपको एक बड़ा लॉस देके जा सकता है।
तो इसको कभी भी डायरेक्टली बाय मत करें। इनिशियल गैप का केस क्या है, अगर इनिशियल गैप में आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, लेकिन मिडिट्री गैप में आपका डायरेक्ट बाय मना है। सीधा मार्केट को आने दीजिए, और कहां तक आने दीजिए, मार्केट को आने दीजिए जहां तक उसने गैप कवर किया है। मार्केट अपना गैप कवर करेगा तब ऊपर चलेगा तो एक अच्छा बाय देगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि मार्केट जैसे ही अपना गैप कवर करने के लिए नीचे आएगा, यहां बाय नहीं करनी। कई लोग कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं, लेकिन ये बाय करने की जगह नहीं है। बाय आपका अपने हाई के ऊपर है, जो भी उस टाइम तक का हाई बनाए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हाई बनाएगा, अदरवाइज मार्केट यहां तक जाके नीचे भी गिर सकता है। तो इसलिए इस हाई के ऊपर ही बाय करना है, बस मेरे को सपोर्ट ढूंढना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी आपने नीचे से बाय कर ली और मेजर क्वांटिटी आपने ऊपर से यहां से बाय कर ली, ऐसा आप कर सकते हो। तो अब पॉइंट पे आते हैं, ये हुआ मीडिएटरी गैप, एक हुआ इनिशियल गैप, एक हुआ मीडिएटरी गैप, अब एक हुआ टर्मिनेटिंग गैप। अब ये टर्मिनेटिंग गैप क्या हुआ, अब जरा समझते हैं। ये टर्मिनेटिंग गैप आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब ये आपके पास क्या हुआ, जैसे ये इनिशियल गैप था, मार्केट ऊपर खुला तो मार्केट में ये क्या था, इनिशियल गैप। ये जो इनिशियल गैप होता है, ये दूसरी वाली सीरीज के लिए टर्मिनेटिंग गैप होता है। क्या मतलब, ये देखो मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा है, ये गैप बीच में मीडिएटरी गैप भी छोड़ के गया, अब मार्केट यहां तक आ गया, और यहां से क्या हुआ, मार्केट ने फिर से गैप डाउन खोला। तो क्या हुआ, ये दोबारा से बना इनिशियल गैप। किसके लिए इनिशियल गैप, इस सीरीज के लिए इनिशियल गैप बन जाएगा, लेकिन पुरानी वाली सीरीज के लिए टर्मिनेटिंग गैप हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज पूरी टर्मिनेट हो गई। आप देखिए, ये मार्केट नीचे आ रहा था, ये सीरीज चल रही थी, और ये टर्मिनेट हो गई क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। तो ये टर्मिनेटिंग गैप बोलते हैं इसको, या दूसरी सीरीज के लिए इनिशियल गैप का नाम देते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी गैप कवरिंग हो रही है तो ये आपको देख के पता लग जाएगा, और खासकर अगर किसी सपोर्ट पर है मार्केट, अगर यहाँ कोई पीवोट हो या ऐसा कुछ हो और तब इनिशियल गैप बना दे तो बहुत ही अच्छा है मॉर्निंग में। देखिए मेरे को ये, मैं आपको कई जगह दिखाता हूं इनिशियल गैप, जब मार्केट इनिशियल गैप लेके जाता है। ये देखिए, ये मार्केट नीचे आया, आने दीजिए, और ये इनिशियल गैप, ये भरने नहीं आएगा जल्दी से मार्केट, इस बात का ध्यान रखना। देखो मार्केट नीचे, इनिशियल गैप में भी एक छोटा सा पॉइंट है और, उसको भी समझ लीजिए, इनिशियल गैप में काम आएगा। तीन तरह के इनिशियल गैप होंगे, इनिशियल गैप भी अलग अलग टाइप के हैं। कि देखो मार्केट नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, अब क्या हुआ यहां पर मार्केट में जरा सा मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, एक दिन साइडवेज रहा और अगले दिन मार्केट ने ऊपर खोल दिया, ये भी इनिशियल गैप है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो दूसरा केस, मार्केट ने क्या किया, यहां से थोड़ा सा मूव लिया और मार्केट ने हल्का सा यहां जाके छोड़ दिया और अगले दिन ऊपर खुल गया, ये भी इनिशियल गैप है। दोनों इनिशियल गैप है, मगर अच्छा कौन सा है, तीसरा वाला कौन सा है। तीसरा वाला आपके पास इनिशियल गैप है कि मार्केट क्लोजिंग नीचे ही किया, मार्केट ने क्लोजिंग नीचे ही किया लेकिन अगले दिन सीधा ऊपर खुल गया, कोई नीचे साइडवेज नहीं, कोई एन वेव नहीं, डायरेक्ट ऊपर। ये वाला जो इनिशियल गैप होता है, ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे ज्यादा। उसका रीजन क्या है कि ये आपको बहुत चांसेस होते हैं कि ये नीचे नहीं आएगा। दूसरे केस में क्या इश्यू होता है वो भी मैं बता देता हूं। मार्केट ने जैसी एनवेव बनाई, अपनी एनवेव बनाई है, और मार्केट अगर अगले दिन यहां पर ऊपर खुल जाता है गैप अपने ने, तो मार्केट इसका सपोर्ट लेने आ जाता है। अक्सर ये होता है, नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, लेकिन यहां तक सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, अक्सर मार्केट ये कर लेता है। या फिर अगर ऐसा नहीं है और मार्केट ने अपना साइडवेज मार्केट बना के रखा है 1% नीचे, ये देखो मार्केट अगर यहाँ पर साइडवेज मार्केट बना के रखा है, तो इस पॉइंट पे यहां पर कहीं ऊपर मार्केट खुलेगा, है ये भी इनिशियल गैप, लेकिन इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे मेरे को ग्रीन कैंडल ना मिले बिल्कुल भी, और रेड कैंडल मिलती है और रेड कैंडल के जस्ट ऊपर मार्केट खुलेगा तो ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट शायद, राइट है। अब देखो इसको मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो पूरी रेड कैंडल, पूरी रेड कैंडल और एक एक घंटे की, और मार्केट डायरेक्ट ऊपर खुला है, कोई यहां पर ग्रीन कैंडल है ही नहीं, या मार्केट एक एन वेव नहीं बना रहा है, कोई साइडवेज मार्केट नहीं बना रहा है, ग्रीन से कुछ भी नहीं बना रहा है। ये वाला मूव ज्यादा अच्छा होता है,
मेरे ख्याल से, मतलब जो मेरी अपनी लॉजिक बोलता है। आप लोगों ने काम किया है इनिशियल गैप पे? किस किसने किया बताए? यस एनी मैम, क्या अनिल जी, बसंत जी, काम किया आप लोगों ने इनिशियल गैप पे? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, आज ही मालूम किया? पड़ा, मुझे तो आज ही ये कंसेप्ट मालूम पड़ा था। देखो मार्केट के अंदर इतने सारे कंसेप्ट है, इतने सारे कंसेप्ट है कि अगर हम उन्हें देखने जाएंगे ना, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। और ट्रेड डायरेक्ट नहीं करना होता, मार्केट में समझ के ट्रेड करना होता है। मार्केट में देखो, मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट किया तब भी मैं कॉल में ही रहा, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी मैं कॉल में ही बैठा हूं, मैंने अपना लॉस भी सारा कवर किया। देखो जबकि कोई ट्रेडर अपने लॉस दिखाता नहीं है जल्दी से, मैं तो दिखाता ही रहता हूँ क्योंकि मैं कवर कर लेता हूँ। नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर कोई ट्रेड लिया ही नहीं, एक दो हफ्ते से मैंने ट्रेड नहीं लिया तो मैंने नहीं बताया। आज ट्रेड ले रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूँ, आज से मेरे को लाइव ट्रेड शुरू भी करना था। तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, इसको काट भी सकते हो। देखो इसको आप आराम से काट भी सकते हो, प्रॉफिट ठीक है, मगर मैं नहीं काट रहा हूं क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, इससे बड़ी क्वांटिटी है नहीं और मार्केट आराम से ऊपर चल सकता है। ये गैप कवरिंग है, ये गैप कवरिंग है, इसको भी समझ लेते हैं कि गैप कवरिंग जो चल रही है इसको कैसे हम मैनेज करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। पहले मंथ पे देखते हैं मार्केट को। देखो एक पॉइंट समझना कि लोग भी बोल रहे थे गिरेगा, मैं भी बोल रहा हूँ गिरेगा, लेकिन एक पॉइंट है छोटा सा। हमने बहुत अच्छी तरह सिंपल वर्ड्स में एक चीज सीखी हुई है कि मार्केट में ये एन वेव है, राइट, सबको दिख रही है ये एन वेव है। और मार्केट का सपोर्ट कौन सा है आखिरी, यही वाला सपोर्ट है या नहीं है बताए? यस सर, एग्जैक्टली इसका मतलब जब तक ये सपोर्ट टूटेगा नहीं, मैं दूसरा कोई वर्क नहीं कर सकता, तो मतलब मैं दूसरा कोई ट्रेड नहीं उठाऊंगा। तो आप देखिए ये पॉइंट है, दो तीन पॉइंट है जो आपके बड़े काम आएंगे। अब या तो ये टूट जाए, या तो ये टूट जाए ये वाला लेवल, तब कोई बात है। अब यहां पर मेरे को एक पॉइंट और भी दिख रहा है छोटा सा, उस बात को भी ध्यान रखना। देखो ये जो आपको ब्लू कलर से कर देता हूं इसको, ये जो ऊपर लेवल था ये आपका ट्विजर टॉप बनी हुई थी कैंडल, देखो ग्रीन और रेड ट्विजर टॉप थी और ये टूटा नहीं था, 3 महीने तक नहीं टूटा, चौथे महीने पर इसने अपना ये सपोर्ट तोड़ा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये मंथली सपोर्ट टूटा है तो ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बाय है, बहुत बड़ी बाय आपके पास नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मार्केट यहां तक जाके एक रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है पूरा नीचे, तो जब तक इसके ऊपर नहीं चले जाता तब तक मेरा कोई बाय बन नहीं सकता, तो मैं छोटा मोटा बाय लेके निकल जाऊंगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, मार्केट ने देखो इसी पॉइंट से, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से अपना सपोर्ट उठाया, अगर मार्केट जाना चाहेगा तो मार्केट यहां तक जा सकता है, राइट, ये पॉइंट है, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा और ऐसा रेजिस्टेंस जो कि 3 महीने से नहीं टूटा, मतलब सपोर्ट था उस टाइम पर 3 महीने से नहीं टूटा था, तो मार्केट की बहुत ज्यादा चांस है कि इसको अब ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे और नीचे आ जाए। वैसे भी इसका बाइंग प्रेशर कहां पर बनता है, मिनिमम इसके ऊपर बनता है कि नहीं, यस और नो बताए कहां बनता है बाइंग प्रेशर, यही मेरे के ऊपर, यस सर, तो मेरा बाइंग प्रेशर तो वहीं पर ही आएगा, तब तक मेरा कोई बाइंग प्रेशर इसमें बन नहीं सकता। अब अगर इसी को मैं डेली टाइम फ्रेम में बात करता हूं, मार्केट देखो हम इसको, मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें भी बोला था ये पॉइंट कि देखो मार्केट कई दिनों से नीचे गिर रहा है, इस पॉइंट को समझना, यही हम भूल जाते हैं, दिक्कत ये है। ये देखो 1 2 फिर ये ऊपर गया नहीं, ठीक है 3 4 5 6 7 पूरा वीक मार्केट नीचे, मार्केट ने अब अपने हाई को ब्रेक किया कि नहीं बताओ? हाई को ब्रेक करके बैठा है, दैट मीन्स मार्केट का अब जो मूव है वो कम से कम यहां तक का हो सकता है, लेकिन वहां तक मार्केट जाएगा नहीं, तो मार्केट का यहां तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है अभी, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, यहां तक के मूव को एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर क्लाउड बेस पर बात करता हूँ तो देखते हैं क्लाउड बेस पर क्या हो रहा है। हाँ सर, जी एक बात थी, ये डेली टाइम फ्रेम में 3 ब्लैक क्रोस वाला पैटर्न कुछ बनाया क्या, जो नहीं, थ्री तीन ब्लैक क्रोज नहीं है, नहीं, थ्री ब्लैक क्रोज नहीं है, थ्री ब्लैक क्रोज किस लिए नहीं है, थ्री ब्लैक क्रोज कोई बता सकता है क्यों नहीं है थ्री ब्लैक क्रोज? कोई भी एनिमल सर, ये सर गैप क्या पे जो पे गैप गैप हो गया। गैप तो थ्री ब्लैक क्रोज में मैंने बोला है, पहली बात तो मैंने आपको स्पेशली एक बात बोली थी, देखो मैंने अपना ओपिनियन दिया था उस टाइम पर भी, आज भी मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरे को थ्री ब्लैक क्रोज कहीं से नहीं जमते, ना तो थ्री व्हाइट सोल्जर ना थ्री ब्लैक क्रोज मेरे को कहीं से नहीं जमते, क्योंकि इनका सक्सेस रेट कितना होता है, केवल 20%,
इनका सक्सेस रेट 20% है, 80% मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो मैं क्यों ऐसी जगह पर अपनी कोई बाजी लगाऊं जहां पर मैं 80% फेल होने के चांस है। तो ये थ्री ब्लैक रोज जो होते हैं, आपका इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये आपकी पहली कैंडल है, विक को एक बार को छोड़ देते हैं, पर बॉडी के साथ में बिल्कुल बॉडी टू बॉडी मिली हुई आपके पास होनी चाहिए, नेक्स्ट बॉडी टू बॉडी मिली हुई होनी चाहिए, तब ये थ्री ब्लैक रोज माने जाते हैं। पर यहाँ पर देखो ये तो ओके है, लेकिन ये बहुत नीचे खुला, तो थ्री ब्लैक रोज नहीं बन सकते, पहली बात। दूसरी बात, ब्लैक रोज को कोशिश करें, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खराब ही होते, क्या पता आपको अच्छे लगे, पर मेरे को नहीं पसंद आते, मतलब थ्री ब्लैक रोज मेरे लिए बहुत अच्छे नहीं जमते, तो मेरे को नुकसान कर जाते हैं ये, तो मैं इनको यूज ही नहीं करता, क्योंकि मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब कर देते हैं ये, मैं दिखा देता हूँ, बहुत जगह आते हैं और पूरी साइकोलॉजी खराब करके जाते हैं, इसलिए मैं ट्रेड ही नहीं करता इनपे। चलिए अभी आएंगे, मैं दिखा दूंगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं वापस। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पॉइंट देख रहे हो एक दिन के अंदर, तो ये जो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन है, देखो क्रॉसओवर करने के लिए रेडी है। पॉइंट समझना, एक पॉइंट बता रहा हूँ, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि देखो यहाँ पर कंफ्यूजन, मतलब इसको मैं क्या नाम दूंगा, कंफ्यूजन, ये पूरा कंफ्यूज कर रहा है, पूरा का पूरा मार्केट ही कंफ्यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट को समझना, देखो मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, सबको दिख रहा है एक बाइंग प्रेशर है, सबको दिख रहा है बाइंग प्रेशर है, तो मार्केट में यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ एक बहुत बड़ी हो रही है कि देखो यहां पर बाइंग बनता है ऊपर, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्रॉसओवर कर रही है, बाइंग बना रही है, लेकिन अभी पहली बात तो क्रॉसओवर हुआ नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात, यहां पर आपकी चीका उस पैन कहां पर है, प्लीज बताएं, क्या पास में है या दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये नहीं जाने वाला, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, ये अगर जाएगा भी तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां तक इसका रीच देख रहा हूं, इसके बाद नहीं है इसकी बाय, तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा इसे, बाय जितना निकाला बहुत है। अब यहां पर भी देखूंगा तो ये रेड क्लाउड बना हुआ है, और अभी ये देखो आपका ये एक्सपेंड कर रहा है, राइट, श्रिंक नहीं कर रहा, अभी एक्सपेंड कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन कब तक आप अपना वर्क कर सकते हो? मेरे को दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम में एक ये सेलिंग है, बाइंग नहीं है, लेकिन यहां पर छोटा टाइम फ्रेम अगर मेरे को मिलता है, बोलता है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए बाय में रह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कंफर्मेशन लेता हूं, तो मेरे को मार्केट यहां पर क्या बोल रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आपका ये जो यहाँ पर क्लाउड है ये भी श्रिंक के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी नहीं करेगा क्योंकि बहुत वेट लिए हुए है, बहुत वेट लिए हुए है, तो अभी ये बाय नहीं करेगा, बाय में नहीं जाएगा। लेकिन अब केस क्या हो सकता है, यहाँ पर केस को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी चीका उस पेन है, ये आपका कैंडल के पास आ रही है, अभी आई नहीं है, कैंडल के पास आ रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां तक का मूव या इसके ऊपर तक का मूव ले ले, पर हम इसके ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल रेडी नहीं है। अगर सपोर्ट ले गया मार्केट तब अलग बात है। देखो यहां पर एक पॉइंट और समझना कि अगर मार्केट यहां पर आता है तो यहां से गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर यहां पर आने के बाद एक क्रॉसओवर मिल गया तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे कि नहीं, तो वो पार्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट अभी बाय के लिए चल रहा है, इनिशियल गैप लिया है, इसको मार्केट को हमें थोड़ा सा 2-4 घंटे देने चाहिए या आज का दिन हमें देना चाहिए, उसका रीजन क्या है? देखो इसको पॉइंट को समझाता हूं मैं, एक मिनट इसे हटा रहा हूं, और मैं छोटा सा पॉइंट यहां से, कई लोगों ने शायद ना किया हो तो मैं इस पॉइंट को दोबारा से एक बार डिस्कशन में ला रहा हूं। मैं इस पॉइंट से यहां से अपर पार्ट से, ठीक है, मैं पूरे डेज की कैंडल, डेज के हाई लोज मार्क कर रहा हूं। देखो यहां पर मैं दोबारा बता देता हूं, मैं यहां से डेज के लो मार्क कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं जरा इसको चेक करना, ये सब आपके काम के हैं, सारे के सारी चीजें काम के हैं, बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो मैं यहां से ला रहा हूं इस पॉइंट से, ये मेरा डे का लो कौन सा है, गिरा, मैं कब से ले रहा हूं, देखो मैं कब से ले रहा हूं, 17 से शुरू कर रहा हूं, सपोज मैं बिल्कुल हाई से शुरू कर रहा हूं, ये मेरा 17 है, 17 एक दिन एक घंटे में देखना, एक दिन में मत देखना, तो मेरा 17 का लो है ये वाला, मार्क कर दिया। फिर मैं आया 18 के लो पे, 18 का लो ये है, अगर लो बीच में पड़ रहा है, हाई बीच में पड़ रहा है, तो मैं नहीं उसे काउंट करूंगा, अगर पुराने वाले को ब्रेक करके नीचे आए तो ही मैं काउंट करूंगा। तो देखिए फिर क्या हुआ, मार्केट में मैं यहां पर आया, 19 तारीख को मेरा लो बना है ये वाला,
20 तारीख को, 20 तारीख को क्या ये लो ब्रेक हुआ बताए? नहीं हुआ, वही का वही बैठा है, मैं चल रहा हूं फिर, मेरा कोई 20 तारीख की मार्किंग नहीं है, मैंने 23rd को देखा, 23rd का लो मेरा ये रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा 25th का लो ये रहा। अब जरा पॉइंट समझना, और मेरा 26th, ये 30 हो गई यार, 26th का लो ये है। अब इस पॉइंट को समझना, 26th के बाद मार्केट नीचे नहीं गया, जाना चाहिए था, ब्रेक करना चाहिए था, नहीं गया, तो अब मेरा एक छोटा बाय बनता है इस लाइन के ऊपर, जो इसके ऊपर वाली लाइन है, इसके ऊपर मेरा एक बाय बनता है और टारगेट बनता है ये वाला। अब वह जाएगा नहीं जाएगा अलग पार्ट है, लेकिन ये मेरा बाय बनता है और ये मेरा टारगेट बनता है, और कंडीशन ये बोलती है कि जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा हो तो नीचे क्रॉसओवर आ जाना चाहिए बाय का, राइट और रॉन्ग होना चाहिए ऐसे कि नहीं, ये मेरी कंडीशन है। तो अब मैं देखता हूं, चूंकि मार्केट नीचे नहीं गिरा, इसके ऊपर बाय है, तो अब हम देखते हैं मार्केट कहां है, अब ढूंढते हैं मार्केट को। ये मैं आगे आया तो मार्केट क्या करने की एक्चुअली कोशिश कर रहा है, ये बाय बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? यस सर। और ये इनिशियल गैप है, ये भरने आएगा नहीं, ऐसी तो होगा, ये भरने आएगा नहीं जल्दी से, और मार्केट यहां पर ऊपर रुक सकता है। अगर यहां रुक गया मार्केट तो मार्केट एक यहां तक का जंप ले सकता है, हो सकता है कि मार्केट वहां पर जंप ले ले। तो अगर मैं यहां पर 5 मिनट की कैंडल लगाता हूं तो मैं देखता हूं 5 मिनट की कैंडल कर क्या रही है। देखें यहां पर क्या कर रही है 5 मिनट की कैंडल, इसको हम एक और ऐड कर लेते हैं, ये एडिशन में डालते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, हम इसे फिर हटाएंगे, जाने देते मार्केट को ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसके ऊपर। देखो कभी भी मार्केट नीचे आता ना, ये नीचे, थोड़ा सा पॉइंट नोट करना कि जब मार्केट कभी भी एक सपोर्ट से नीचे आता है ना, कभी भी नीचे आता है, तो उसको ये देखें कि नीचे का सपोर्ट कहां पर है, उसके बाद ये देखें कि ऊपर का सपोर्ट कौन सा है। क्या मतलब हुआ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मार्केट आया नीचे, मार्केट आया नीचे, नीचे का आपको पता है सपोर्ट, जो भी सपोर्ट मिल रहा है, सपोज ये सपोर्ट है उसका, ठीक है। मार्केट ने यहां पर सपोर्ट पकड़ लिया, माना कि ग्रीन कैंडल बन गई, सपोर्ट पकड़ गया, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाना है तो इसके आसपास का जो भी सपोर्ट है, जिसे तोड़ के मार्केट आया, जिसे तोड़ के मार्केट आया, इसके ऊपर तो जाना चाहिए कि नहीं? यस सर। अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो दैट मीन्स मार्केट ने अपना डबल सपोर्ट पकड़ा, नीचे का भी सपोर्ट पकड़ा, ऊपर का भी सपोर्ट पकड़ा, तो अब मार्केट एक बार को चल सकता है ऊपर, ठीक है। मार्केट बड़ी बाय में नहीं है बिल्कुल भी, मैं अभी भी बोल रहा हूं मार्केट छोटी बाय में है, छोटी मोटी बाय लेके आप जा सकते हो, बहुत बड़ी बाय तब तक कंफर्म नहीं होगी, बड़ी बाय जब तक कि मार्केट जो है वो अपने मूव के ऊपर ना निकल जाए, दैट मीन्स इसके ऊपर मार्केट की बाय कहां पर है, मार्केट की जो एक अच्छी बाय मिलेगी वो इसके ऊपर मिलेगी आपको। अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो तब की बात है, नहीं गया तो मार्केट कहीं से भी वापस आ जाएगा, तो फिर मार्केट वापस रिवर्सल में चला जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस हमें एक पॉइंट नोट करना है कि मार्केट यहां पर इस पॉइंट पर थोड़ा सा रुक जाए, अगर रुकेगा, मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, आप भी देख रहे हो कि ये कैंडल ऊपर गई थी, ये मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, इसको लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, और अब इसके ऊपर इसका बाय बनता है कि नहीं, अगर जाएगा तो इसके ऊपर इसका बाय बनेगा, तो मार्केट के अंदर हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या, अगर ऊपर चला गया तो एक बाय बना देगा। इसको कंफर्म करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, हम अपने क्लाउड को यूज कर रहे हैं, मूविंग एवरेज क्लाउड, जो मर्जी यूज करना चाहे आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां पर क्लाउड यूज करता हूं, मार्केट इस समय क्लाउड बाय में है या सेल में बताए? बाय में बैठा है मार्केट, इसका मतलब मार्केट में मैं यहाँ सेलिंग करने के मूड में नहीं हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मार्केट नीचे आया, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो वैसे भी मेरी प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय बनती है, छोटी बाय है। बाय का मेरा मतलब ये नहीं कि बड़ी बाय, मैं छोटी मोटी बाय की बात कर रहा हूँ, बड़ी बाय अभी कन्फर्म नहीं है, बड़ी बाय अपने हायर लेवल के ऊपर ही आएगी। तो मार्केट में अगर देखो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल बनी है, इसके ऊपर मेरा एक प्राइस एक्शन कंफर्म होता है, राइट है, इसके ऊपर मेरा कोई प्राइस एक्शन कंफर्म होता है, तो मार्केट वहां पर अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट के इसके ऊपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और मार्केट चूंकि बाय में है तो मैं इसे सेलिंग पे अभी नहीं डाल रहा हूं। लेकिन यहां पर कोई भी बता सकता है अभी दिक्कत क्या है, अभी यहां पर ट्रेड में दिक्कत है बहुत बड़ी, कोई भी बताएगा प्लीज जिसपे क्लाउड करें।
सर जो हमारी बेस लाइन है ना सर क्लाउड के नीचे है बाहर है वो क्रॉस बाहर है बाहर है देखो कन्वर्जन लाइन तो बाहर है लेकिन बेस लाइन अंदर है इसका मतलब मैं अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू होने वाला है कि मार्केट अभी बेस लाइन को यहाँ पर क्लाउड के अंदर नहीं किया तो कितना टाइम अभी लग सकता है मैं अप्रोक्सीमेट टाइम देखता हूँ मेरा कितना टाइम अभी लग सकता है अगर लगने वाला हुआ तो ठीक है तो मैं यहां से मार्केट दो तरीके से बेस लाइन को बाहर कर सकता है या तो सीधा सीधा करेगा और या फिर 45 डिग्री एंगल पे ऐसा दो कर सकता है अगर मैं दोनों को मान लू तो मैं ऐसे कैंडल चेक करता हूँ यहां से अगर मैं कैंडल टू कैंडल ही बात करूं तो यहां से देखते हैं कितनी कैंडल है अगर मैं स्ट्रेट ले जाता हूं तो ये लगभग 7 बार्स बनते हैं मतलब लगभग 35 मिनट ये बोल रहा है और अगर मैं यहां से ना ले जाके मेरा मार्केट उठ जाता है तो 5 बार दैट मीन्स इसका मतलब लगभग लगभग आधा घंटा इसको लग सकता है इसके ऊपर जाने में मैक्सिमम टाइम है ये आधा घंटा लग सकता है इसको यहां तक जाने में अगर मतलब अराउंड 35-40 मिनट अगर ये स्ट्रेट चलती है और अगर ये इधर चली जाती है तो आपका मार्केट आपको 5 बार में कर देता है मगर अगर मार्केट ऐसे कहीं निकल जाता है तो ये 1 या 2 बार में बाहर निकल भी सकती है राइट है तो अब मेरे को चेक करना है हमने एक पॉइंट नोट किया था और करा भी था हमने कि मार्केट में अगर इसके ऊपर जानी है कैंडल तो बेस लाइन अपर पार्ट में आ जाएगी कि नहीं यस सर उठना चाहिए बेस लाइन को या नहीं उठना चाहिए वहां पर तो राइट है तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम चेक करेंगे मैं एक मिनट इसका बॉटल लगा देता हूं उसको ये मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया एक छोटा सा ठीक है 100 में से 50 क्वांटिटी निकाल देंगे यहाँ से कितने पर निकालेंगे अराउंड 75 पर 75 पे कुछ क्वांटिटी हम निकाल के हटा देंगे यहाँ से अब मार्केट चूंकि अभी फिलहाल बाय में है फिलहाल बाय में छोटे टाइम फ्रेम पर बाय में अच्छा एक पॉइंट इसको और समझो कि छोटे टाइम फ्रेम में बाय में होना और बड़े टाइम फ्रेम में सेल में होने का क्या मतलब है अगर हम यहाँ पर वन डे में देख रहे हैं मैं देखो ये मार्केट इसके बाद में यहाँ तक एक बड़ा मूव ले सकता है मेरे को एक्सपेक्ट है कि थोड़ा शायद मार्केट चला जाए एक बड़ा मूव लेके यहाँ तक देखते हैं क्या होता है तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल से एक पॉइंट नोट करना है कि मार्केट इस समय बड़े टाइम फ्रेम में सेल में बैठा है बड़े टाइम फ्रेम का मतलब एक दिन में मैं देख रहा हूँ क्लाउड भी बहुत दूर है कैंडल भी बहुत दूर है और इस समय चीता स्पैन भी बहुत दूर है तो कहीं पर एक बाय नहीं मिल रही है बहुत अच्छी बड़ा टाइम फ्रेम बाय का है लेकिन हमें पता है कि मार्केट में अगर ये एक डाउन आया है तो इसका 50% जा सकता है रिप्लेसमेंट में या नहीं यस सर बिल्कुल तो हम यहां तक का एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब अगर मैं हालांकि गलत है देखो मैं सब गलत कर रहा हूं मैं सामने से बोल रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं भाई जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है मैं बाय क्यों ले रहा हूं राइट ना मेरे को तो सेल लेनी चाहिए मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ना चाहिए इस वाले पार्ट को पकड़ना चाहिए लेकिन मैं इस समय बाय ले रहा हूं उसका रीजन क्या है रीजन केवल ये है कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है और मैं वर्क करता हूं रिट्रेसमेंट पर ज्यादा मेरा काम रिट्रेसमेंट पर ज्यादा रहता है तो मैं बजाय डाउन के मैं रिट्रेसमेंट पकड़ता हूं क्योंकि बहुत जल्दी पैसा देके चले जाते हैं तो हम रिट्रेसमेंट पकड़ा करते तो आप चाहो तो इस वाले पार्ट को पकड़ सकते हो जब आपकी एक्सपर्टीज होगी जिस हिसाब से वैसे वैसे आप अपना काम करना शुरू करोगे तो ये आप अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो मार्केट देखो कहां पर ट्रेड कर रहा है मार्केट अपनी इस पूरे जोन में कन्वर्जन बेसलाइन क्या कर रही है जरा कोई बताएगा यस इस पूरे जोन में कन्वर्जन बेसलाइन क्या कर रही है कन्वर्जन लाइन तो सपोर्ट का काम कर रही है सर सपोर्ट का काम कर रही है अब मार्केट इसके नीचे नहीं आया ना ठीक है अब जरा दूसरा कार्ड यहां से पूरा साइडवेज मार्केट है आपकी कन्वर्जन लाइन क्या कर रही है ऊपर जा रही नीचे ऊपर जा रही है सर ऊपर जा रही है दैट मीन्स मार्केट जो है वो अभी शायद हो सकता है एक क्रॉसओवर दे दे लेकिन हम तब तक हमने अपने क्लाउड पार्ट में सीखा है और बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि देखो बार बार मार्केट कन्वर्जन लाइन पे अपना रेजिस्टेंस लेते हुए चलता है हमें तब तक वर्कआउट नहीं करना कोई भी जब तक मार्केट बेस लाइन के ऊपर ना चला जाए राइट यस सर और अगर मार्केट बेस लाइन के ऊपर जाएगा तो हमें दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है यहां पर भी हमें वर्क नहीं करना है हमें रुकना है एग्रेसिव है तो ले सकते हैं
अदरवाइज हमें यहाँ पर रुकना है और देखना है कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस कम है तो क्रॉसओवर आ जाएगा, लेकिन अगर इनका डिस्टेंस ज्यादा रहा तो क्रॉसओवर नहीं आएगा। दूसरा, जब मार्केट में देखा कि हमारा ये डिस्टेंस कम है, उस समय मेरे को देखना है चीका उस पेन कहाँ रही, चीका उस पेन पास आने की तैयारी कर रही है कि नहीं। यस सर, ट्राई कर रही है, अभी नहीं बोल सकते हम कि क्या होगा, लेकिन मार्केट ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहा है। तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर करेगा क्या। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो चीका उस पेन कैसे भी चले, इधर चले इधर चले इधर चले, एक घंटे की कैंडल के हिसाब से अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये मार्केट एक अगर कैंडल को क्रॉस करेगा तो अराउंड आपका ये जो बार्स बन रहे हैं 7 बार बनते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में 7 आवर्स लगते हैं इसको, क्योंकि एक घंटे की अभी तो बन नहीं जाएगी कैंडल भाई, धीरे धीरे एक एक घंटे की कैंडल है, धीरे धीरे बनेगी। तो मार्केट जैसे ही यहां पर आएगा, ये चीता उस पेन को यहां तक आने में कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर ये चीका उस पेन ऐसे निकल जाए तो लगभग 5 घंटे लगते हैं, अगर मार्केट तेजी से शूट कर जाए तो लगभग 3 घंटे लगते हैं, ये इसको बता रहा है। तो मतलब आज बाय ना आके शायद ऐसा हो सकता है कि आज बाय ना आके शायद आपको कल ऊपर मिलेगी। आज मार्केट यही घूमता रहे, बहुत ज्यादा चांस है कि शायद ऐसा हो जाए। तो इस बात के लिए मैं प्रिपेयर रहना है कि मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट अपनी कंडीशंस को सही करके रखता है और मार्केट धीरे 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 करके अपनी बाइंग की कंडीशन बनाना शुरू कर देता है, तो हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है, तो और एक छोटा सा पार्ट और समझते हैं, ये मार्केट के सपोर्ट का काम करेगा या नहीं। यस सर, होगा एक सपोर्ट लेवल। तो अगर मैं इसका सपोर्ट लेवल मार्क करूंगा इस मार्केट का, तो ये मेरी जो बॉडी है ये सपोर्ट का काम करेगी। अब देखो मार्केट यहां पर 1 आवर की कैंडल डाउन में आई भी, इस सपोर्ट पर सपोर्ट लेके अब चल दी ऊपर, राइट है। एक छोटा सा देखते मार्केट में, मैंने नीचे कुछ और बाय किए थे यहां पर, तो मार्केट में हम कुछ क्वांटिटी यहां से हटा देते हैं, कुछ क्वांटिटी हम यहां से हटा देते हैं। हमेशा देखो जब कभी भी क्वांटिटी हटानी हो ना, तो कोशिश करो कि आप ना लिमिट के साथ में हटाओ। देखो मैं 70.671 पे देखो मैं हटाऊंगा इसको, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट देखो यहां पर क्या कर रहा है, मार्केट आराम आराम से ऊपर चल रहा है। अगर मार्केट यहां पर ग्रीन कर रहा है तो चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक करके यहां तक चला जाए, यहां तक चला जाएगा। तो देखो मेरा 71 हट गया, ठीक है। अब मैं यहां पर अराउंड 73 पे अराउंड एक और हटा दूंगा, 73 पे लगा के छोड़ता हूं, और यहां पर मेरा एक और क्वांटिटी हट जाएगी, ठीक है। 75 पे है कुछ और, तो वो भी हट जाएंगी। अब देखो यहां पर मैं क्या चेक कर रहा हूं, यहां पर मैं कैंडल का मूवमेंट चेक कर रहा हूं कि कैंडल कर क्या रही है। ये एक सपोर्ट है, मार्केट 1 आवर की कैंडल ग्रीन है। अगर 1 आवर की कैंडल ग्रीन है तो 5 मिनट क्या कर रहा होगा, कोई भी बताए प्लीज। ग्रीन ये बाय बना रहा होगा या नहीं? Yes, sir. बना रहा होगा, जाके देखते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट में देखो आपका मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है, बस अपने को थोड़ा कंसिस्टेंसी देनी है। देखो मार्केट ने क्या किया, कन्वर्जन लाइन बाहर है, बेस लाइन अभी बाहर नहीं, मतलब अंदर नहीं आई ना। नहीं सर, आप देखो मार्केट यहां से तो ऊपर जा रहा है लेकिन इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना। नहीं सर, अब यहां से मार्केट के ऊपर जाने के 2 तरीके हैं, या तो एक ही कैंडल शूट कर जाए बाहर निकल जाए, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, मार्केट यहां तक जाने के लिए धीरे धीरे अगली अगली कैंडल खोलेगा, एक कैंडल ग्रीन, फिर दूसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल, तब ब्रेक करेगा। दोनों में से कौन सा अच्छा है, क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। डायरेक्ट ब्रेक करना एक अच्छा हैबिट नहीं है। अगर आपको बाय होनी है तो कोशिश करो कि आपकी कैंडल थोड़ा सा साइडवेज आए, फिर साइडवेज आए, फिर साइडवेज, तब इसको ब्रेक करेगी ना तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। तो ये हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर प्राइस सेक्शन को चेक करें, अगर मैं यहां पर प्राइस सेक्शन आपको दिखाता हूं तो प्राइस सेक्शन डेवलप ही नहीं हुआ अभी, हालांकि हम रखे बैठे हैं लेकिन प्राइस सेक्शन डेवलप नहीं हुआ। आप देखो ये मार्केट की ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं, ये रेड बनी बाय इसके ऊपर थी, गया नहीं, ठीक है। ये मार्केट देखो इसके ऊपर गया नहीं क्योंकि इनसाइड बार है। यहां पर भी अगर मैं देखूंगा, अगर इस कैंडल की मैं बात करता हूं तो इस ग्रीन, इन सब तीनों कैंडल को इसके ऊपर कम से कम जाना चाहिए था या नहीं। यस सर, गए नहीं अभी तक मार्केट।
अब मार्केट को अगर देखता हूं तो यहां पर एक तीन डिसीजन कैंडल बनी हुई है, दोजी बनी हुई है, मार्केट को इसके ऊपर एक क्लोजिंग देनी चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मिनिमम या नहीं, मिनिमम इसके ऊपर कोई क्लोजिंग हो जाएगी तब मैं सोचूंगा हाँ शायद मार्केट कोई प्राइस एक्शन अपना बना ले। तो तीनों चीजों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें कई सारे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को रखना ही नहीं है अभी 71 पे। मैं इसको हमेशा कोशिश करें कि जब कभी भी हटा रहे हैं ना कभी मार्केट पे मत हटाए, कोई बता सकता है मार्केट पे क्यों नहीं हटाना मैं कोई भी? यस, मार्केट पे क्या होगा आप देख रहे हैं, ये देखो कितनी तेज तेज वैल्यू बदल रही है कि नहीं बताओ? यस सर, बदल रही है। अब मैंने क्या किया मार्केट पे एग्जिट किया, जैसे ही मैं मार्केट पे यहां पर एग्जिट करूंगा पता लगा मैं तो 71 पे कर रहा था और वो एकदम से नीचे आके 68 होगी तो मेरा मार्केट कहां निकालेगा 68 पर ना? जी सर। तो मेरा जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट ना होके मेरे लॉस में कन्वर्ट या मेरा कम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे को वो करना ही नहीं है, तो इसलिए हमेशा लिमिट पे निकालें। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर लिमिट अपनी लगा के छोड़ी, अगर आप यहाँ नीचे देखोगे ये रहा, ये देखो मेरा कहाँ पर है 75 73 71 पे पहले भी निकाला था मैंने, चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं पर 71 पे इसको निकाल देंगे तो मेरी तीनों क्वांटिटी मेरी लगी हुई है। अच्छा एक छोटा सा इशू और होता है आप लोगों को भी शायद होता हो कि अगर मार्केट में मैंने टारगेट लगाए हुए है तो मार्केट स्क्वायर ऑफ नहीं करते देगा मेरे को, देखो हट गया 71, ठीक है, तो मार्केट मेरे को स्क्वायर ऑफ नहीं करने देगा, तो आपको टारगेट पहले हटाना पड़ेगा उसके बाद ही आप वर्क कर सकते हो। देखो मेरा प्राइस एक्शन डेवलप हुआ अभी कि नहीं? यस सर, हो गया, हो गया। लेकिन अब केस यहां पर एक छोटा सा केस समझना है, ये जितनी कैंडल है असल में ये इस कैंडल के अंडर में आ रही है सारी कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब असल में इसको टूटना बहुत जरूरी है। तो अभी कितने 23, अगर मार्केट यहां पर आ गया इस यहां कहीं कैंडल को क्लोज करेगा तो मेरी ये बेस लाइन उड़ जानी चाहिए अगली वाली 5 मिनट में या नहीं? यस सर। चला गया 73, अब देखो कितने बच गए, 50 बच गए बस, सारे अट गए। अब यहां पर देखना है कि हमारे 2 मिनट बाद 23 हो रहे हैं तो 2 मिनट बाद मार्केट अपने हाई के आसपास होगा यहां पर, और इस जगह पर क्या मेरी बेस लाइन उठती है? अगर बेस लाइन नहीं उठेगी तो क्या मतलब होगा मार्केट यहीं पर अभी और साइड बेस होगा, और अगर ये उठ गई अगली वाली मतलब नेक्स्ट वाले 5 मिनट में उठ गई तो इसका मतलब क्या होगा, अब मार्केट यहां से ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ना, पॉइंट समझे? अब देखो मार्केट चल रहा है धीरे धीरे, ये हाई है, ये मार्केट का हाई है, अब हाई के पास में आ गया मार्केट, और देखो 23 अभी हो रहे हैं, 2 मिनट बचे हुए, या तो 2 मिनट से पहले ही ब्रेकआउट कर जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और छोटा सा, अगर 2 मिनट से पहले ही ये ब्रेकआउट कर गया तो क्या ये बेस लाइन ऊपर जाएगी? नहीं सर, नहीं जाएगी, नहीं, ये तो यहीं की यहीं बैठी रहेगी। तो यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बेस लाइन तो ऊपर गई नहीं, मेरा मार्केट ब्रेक कर गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगला वाला जो आपका 25 मतलब एक बार और जब अभी 1 मिनट बाद कैंडल बनेगी तो ये ऑलरेडी ऊपर हुआ हुआ होगा, राइट, हुआ हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उस टाइम फ्रेम पर आप क्या वेट कर सकते हैं कि ये ऊपर चला जाए। तो देखो हाई के पास में बैठा है, अभी हाई के पास में बैठा हुआ है और मार्केट में ये फ्लैट है, तो अब 1 मिनट बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये आपका ऊपर दिखनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे बैठी है, इसका मतलब क्या, शूट करेगा, देखो ये हट गया, हट गया, दैट मीन्स देखो कॉल पहले चली गई, इस बात का समझ रहे हैं, अब मार्केट नहीं गया ऊपर लेकिन कॉल चली गई, दैट मीन्स ये शूट करने वाला है, ये भी एक पार्ट है। यहां से अगर देखोगे अभी भी देखो फ्लैट है मार्केट में, अब यहां से अगर हम देखें तो अगर मैं निफ्टी 50 कोई उठा लेते हैं, यहां से मैं ऊपर का एक कॉल पकड़ता हूं, यहां से कोई सी देख लेते हैं कौन सी आएगी, ठीक है, ये कॉल ले लेते हैं 19200 की, 19250 उठा लेते हैं, ठीक है, 19250 की एक कॉल उठा लेते हैं, और कौन से ले रहे हैं 9th November की लेते हैं, 75 पे चल रही, और मैंने दोबारा कॉल सी ली, एक बार मैं देख लेता हूँ मेरी है तो नहीं, 250 की कॉल, 350 850 250, हाँ ठीक, चलो इसको एक बाय कर लेते हैं यहाँ से, इसको एक बाय करके हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं ये हमारी एक बाय होगी, 19250 की कॉल मैंने बाय कर लिया। अब जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा,
लेकिन एक बात ध्यान रखना है, निफ्टी बाय में नहीं है अभी, एकदम बड़े बाय में नहीं आया, तो इसलिए प्लीज कोई बड़ी बाय या बड़ी क्वांटिटी मत उठाना, क्योंकि वो आपको इश्यू कर सकती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो इश्यू कर सकती है, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम सेलिंग में आ सकता है। ये तो ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मार्केट अभी सेलिंग बाइंग में नहीं है। मार्केट अगर उस लेवल के ऊपर, जो लेवल मैंने दिखाया था उसके ऊपर जाएगा तो बाय में उठाएगा। देखो आप 26 हो गए हैं, लेकिन मार्केट पे बेस लाइन फ्लैट है, देख रहे हैं, अभी भी नहीं गई, बेस लाइन गई नहीं है, अभी फ्लैट हो रखी है, मार्केट अभी गया नहीं, लेकिन मार्केट हाई के आसपास है। तो मार्केट क्या करेगा, आपको ये चेक करना है। देखो ये साइडवेज मार्केट है, ये बात का और यहीं पर समझ लेना। देखो ये साइडवेज मार्केट है, अब साइडवेज मार्केट के अंदर जब तक मार्केट ऊपर नहीं रुकेगा तब तक ब्रेक नहीं कर पाएगा ना, या नीचे से शूट करेगा, ये कितनी बार होगा बताओ, नीचे से शूट करना 100 में से कितने टाइम्स होगा? बहुत कम सर, रेयर केस, रेयर केस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नीचे आया और धीरे धीरे करता करता आपने यहां पर पहुंच जाता है, तो यहां से ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे ना, कम से कम 90% चांस होंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा। और अगर ये भी ऊपर चली जाएगी तो आपका बहुत ही अच्छा ब्रेक आपको मिल सकता है, आराम से ब्रेकआउट पे आप जा सकते हो। तो अब मार्केट ने क्या, आपको ये देखना है कि साइडवेज मार्केट में मार्केट जो है कौन से लेवल पर बैठा हुआ है। मार्केट अपने अपर लेवल पर बैठा हुआ है तो मार्केट को यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा सा या नहीं? यस सर, बहुत अच्छा होगा वो सर। अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है दैट मीन शूट कर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करता है और कन्वर्जन लाइन से बैक मारता है, यहीं से बैक मार रहा है, तो भी आप इसे समझ सकते हैं कि ब्रेक, ये ऊपर ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अभी मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पर जो अगर रेड कैंडल बनती भी है तो इस रेड कैंडल पे आपको कुछ नहीं करना, इसे ग्रीन हो जाने दो। अगर इसे बाय में जाना है तो इसके ऊपर ग्रीन जाएगा कि नहीं, तो हो जाने दो ग्रीन, क्या फर्क पड़ना है, ग्रीन हो जाएगी। देखो आपका इस समय मैंने लिया, मेरा मार्केट में डाउन आ रहा है, ये मार्केट तेरे को लॉस दे रहा है, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। ये कभी भी आप कॉल लेते हैं तो कोशिश वेट करना है कि या तो ये कैंडल ग्रीन हो जाए, और अगर ग्रीन नहीं हो रही तो कन्वर्जन लाइन पे आके रुके और यहां से ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाए। दो तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कहीं पर भी, देखो किसी जगह पर भी अभी मैं कुछ वर्क नहीं कर रहा हूं। अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना देता है, अगर मार्केट देखो बनाएगा ऊपर ग्रीन कैंडल, तो हम अपनी कॉल को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तब ब्रेक करने के लिए रेडी होगा, तो तब हम अपनी कॉल को शायद ऐड कर पाएंगे। अगर होगा अभी ग्रीन होगा तो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि मार्केट कैसे ग्रीन होता है, अभी गया नहीं है। देखो अभी कहां पर चल रहा है, 90 पीपी, 19250 की कॉल है 9th नवंबर, मैं अपने इसमें लगा लेता हूँ 19250 की कॉल और 9th नवंबर, ये कितने पे चल रहे, 94 पे, ठीक है। तो मार्केट अभी देखो, मार्केट अभी चल रहा है, अभी देखो ग्रीन हो गई, ग्रीन होगी तो देखो आप ऐड कर लो, यहाँ पर मैं यहां से 100 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, ये देखो, देख रहे मैं ऐड करके बैठा हूं, मैंने कब ऐड किया, पॉइंट समझे आप, मैंने कब ऐड किया है? यस सर, जब इसने अपना वो हाई तोड़ा है सर। यस, अब देखो जब मार्केट ऊपर जाए, जब मार्केट ऊपर जाए तो अपने, मैं इसे इधर कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बहुत ज्यादा चांस होंगे कि थोड़ा ऊपर चलेगी, क्योंकि इसने अपने नीचे आने के बाद हाई को ब्रेक किया है, तो मैं इसको 100 पे इसे लगा देता हूं, 100 पर मैं कुछ क्वांटिटी यहां से हटाने के लिए ऑलरेडी पहले से लगा के बैठ जाए। ये देखो 98 है, मैं 99 पे भी कुछ क्वांटिटी हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसे नहीं रखना है, ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो ये 99 पे मैंने कुछ क्वांटिटी हटा रहा हूँ, 96, देख रहे हैं आप 3-4 पॉइंट का वेरिएशन कैसे होता है इसमें। लेकिन एक बात बताएं, यहां पर इस पॉइंट पर इसके चांसेस क्या है, नीचे गिरने के या ऊपर जाने के? अभी अभी टेस्ट करके गया कि नहीं गया? यस सर, टेस्ट करके गया, तो इसके नीचे गिरने के चांसेस कम रहेंगे, ऐसा नहीं है होंगे ही नहीं, जा सकता है मार्केट नीचे, लेकिन नीचे जाने के चांसेस कम होंगे। एक दो बार ही इस लेवल को टेस्ट, हाँ बेस लाइन, देखो बेस लाइन भी आपका थोड़ा अभी ये बस इसमें जाने वाली है, मतलब कितनी कैंडल में, यहाँ पर अगर मैं 1, 2, 3 मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही चली जाएगी इसके अंदर, इसका मतलब इसके नीचे आने के चांसेस कम रहेंगे, तो आप इनको ऐड करके रख सकते हो। आप फिर से देखो मार्केट अगर ये रेड कैंडल बना रहे, रेड कैंडल में कभी भी एकदम से ऐड मत करना, ठीक है। जब मार्केट ग्रीन करे उस टाइम पर ऐड करना तो आपको ज्यादा सही होगा, और खासकर जब मार्केट टेस्ट करके वापस जा रहा हो,
एस करके वापस जा रहा होगा तो मार्केट एक बड़ा मूव ले सकता है ऊपर की तरफ को, तब आप ऐड कर सकते हैं। ये देखो अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक मूव आएगा, ये देखो अब चला मूव, ये मेरा हटे यहां से, अब देखो 99 है, अब 100 पे जाके एक और हटाएगा यहां से, देखते हैं ये 100 पे कुछ और हटा देगा यहां से, और 105 पे मैं कुछ और शायद और हटा देता हूं यहां से, 105 पे कर देते हैं तो 105 पे मेरे 50 क्वांटिटी और हटा देगा। देखो एक और भी हट गया यहां से, क्यों? देखो मैंने कहां पर आपको कहीं पर भी मेरे इसमें कोई ऑप्शन चीज दिख रही हो, ये दिख रहा हो गामा दिख रहा हो अल्फा बीटा गामा कुछ कुछ भी दिख रहा है, कुछ नहीं यूज कर रहा हूं मैं, मेरी दूसरी स्क्रीन भी देखो ये पड़ी है, आपको कहीं पर भी मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कहीं पर लगा हुआ, देखो ऑप्शन चेन कहीं पर दिख रही हो, बताओ नहीं है कोई ऑप्शन चेन नहीं है मेरे पास, मैं यूज ही नहीं करता, क्यों यूज करनी है ऑप्शन चेन, काम ही नहीं है मेरा ऑप्शन चेन का, राइट है? तो कोशिश ये करनी है कि जब आप काम कर रहे हो तो सोच समझ के केवल प्राइस एक्शन। मैंने देखा मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया मैंने बोला नीचे से बाय नहीं करनी है, क्यों नहीं करना था बाय कोई बताए, नीचे से बाय क्यों नहीं करना था हमें, देखो मार्केट चल दिया ऊपर, यस क्यों बाय नहीं होना था कोई भी बता दे, बुक कर लेते। अच्छा ये टारगेट लगा हुआ है, देखो अच्छा देखो मैं बता रहा था ये टारगेट लगा हुआ है, देखो ये मेरा टारगेट लगा रखा है मेरे नीचे, तो देखो मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं ना, मेरे को करने नहीं देगा, देखो मार्केट पे एग्जिट कर रहा हूं ये सेल, देखो मेरे को नहीं करने दे रहा, मेरी पोजिशन वही पड़ी हुई है, तो ये अक्सर आपके साथ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको हटाऊंगा यहां से, ये देखो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अब मार्केट मेरे को हटाने देगा यहां से, अब अगर मैं इसको हटाना चाहूंगा तो देखो मैं हटा सकता हूं, हट गया मेरा, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। तो मार्केट में अपनी कॉल्स को हमें कहां पर ऐड करना है, इस बात का हमें ध्यान देना है कि मेरे को अपनी कॉल को कहां ऐड करना है। मैंने बोला जब मार्केट नीचे आता है, मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता था या नहीं? यस सर। मैंने नहीं किया, मैंने देखा कि मार्केट दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाए, खासकर 5 मिनट, 5 मिनट में कभी भी आप नीचे बाय मत करना, इसके ऊपर आ जाने दो, और यहां पर भी एक प्राइस एक्शन को चेक कर लो कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है या फिर धीरे 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 जाए, तो कैंडल बाय कैंडल भी चला जाए तो भी कोई इशू नहीं। जब मार्केट यहां रुकता है ना, यहां पर आपकी कॉल ऐड करने का टाइम होता है। क्या मतलब? अगर मार्केट यहां पर रुक गया, मैं दूसरा फिगर बना देता हूं, अगर मार्केट यहां पर रुका है ऊपर, इस जगह पर आके रुक रहा है, तो यहां पर रिएक्शन देखो मार्केट का क्या होगा, या तो मार्केट यहां से नीचे गिर जाएगा, और या फिर इस जगह पर कोई रेड कैंडल बना रहा है, अगर यहां पर रेड कैंडल बन रही है तो यहां आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का टाइम है, ऑब्जर्वेशन का टाइम। ये रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होनी चाहिए या नहीं? यस सर। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, जैसे ये थी देखो रेड आई थी नीचे और वापस ग्रीन, जैसे ही ग्रीन कन्वर्ट होती है उसी टाइम आप ऐड कर सकते हो अपने कॉल्स। मैंने उसी टाइम देखो 100 क्वांटिटी ऐड की और मार्केट एकदम से शूट करता है और आपको अपना प्रॉफिट देके निकल जाता है, उतना पॉइंट बहुत होता है, तो स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है। तो मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट देखो यहां पर रुकता है, यहां पर मेरी कॉल्स जो है वो उनकी वैल्यू घटेगी। क्यों घटेगी? मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गया, हमने तो उम्मीद की थी एकदम शूट करेगा, नहीं किया ना, नहीं किया। मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा, तो इसका मतलब मार्केट दो तरीके से लेवल टेस्ट करेगा, या तो जरा सा ऊपर जाके तब नीचे आएगा, या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाके तब ऐसे करके नीचे आएगा, और या फिर मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाएगा, लेकिन तीनों कंडीशन में मार्केट रुकेगा। अगर मार्केट रुकता है तो सारी कॉल्स गिर जाएंगी, कॉल की वैल्यू गिर जाने वाली है उस केस में। तो मार्केट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कहां पर हमें बाय देगा। अभी मार्केट शॉर्ट टर्म बाय में है, शॉर्ट टर्म बाय में, लॉन्ग टर्म बाय में नहीं है, शॉर्ट टर्म बाय में है। और दूसरा मैंने पीएनबी के लिए आपको बोला था, पीएनबी को रखे रहना। और हमने कौन सी वैल्यू बताई थी नीचे, कोई भी बता दे, 68 के आसपास? यस सर, 68। और मार्केट कहां तक नीचे आया? अभी अगर मैं मंथली चेक करता हूं, ये मंथ है इसका, ये मंथ है, और मार्केट आया अराउंड 67.4 आ गया। अब मार्केट क्या कर सकता है, दोबारा से इसके ऊपर मार्केट चला। रूल बुक क्या बोलती है? रूल बुक ये बोलती है, ये पॉइंट भी काम के तो सारे पॉइंट रहते हैं, बस कितने आप उसे ग्रेस्प करते हो ये बात पॉइंट की समझने की है।
देखो मार्केट इस समय ग्रीन कैंडल बनाने के बाद रेड कैंडल बनाए बैठा है, तो आपको पूरा महीना वेट करना पड़ सकता है इसके ग्रीन पे जाने का या नहीं। यस सर। लेकिन अब पॉइंट है, आज जैसे ही मार्केट इस कैंडल को ग्रीन करेगा, जब भी करेगा, महीने में करे, दो महीने में करे, या 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी करे, जैसे ही मार्केट ग्रीन करता है, आपको अपनी क्वांटिटी ऐड कर देनी चाहिए या नहीं। यस सर। हमारे क्वांटिटी कहां पर ऐड करते हैं, हम क्वांटिटी ऐड करते हैं यहां पर, यहां से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं रेयर केस। हमें कब करना चाहिए ऐड, हमें ऐड करना चाहिए जब मार्केट जैसे ही ग्रीन करेगा। ग्रीन करने का मतलब बायर फाइट कर रहे हैं और मार्केट को अपनी पोजिशन में ले आए, तो अब यहां से ऊपर चलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यही तो होता है मतलब। वो तो 2 दिन बाकी है, ऐसे भी समझो तो 2 दिन बाकी है, कल का ही बाकी हाँ है। तो अभी अभी तो है सर, अभी तो ये है। इस वक्त में भी यही रूल होता है क्या सर? क्या हुआ? इस वक्त में भी यही रूल होगी ना सर? सेम, आप चाहे स्टॉक हो, निफ्टी, आप कोई सा भी स्टॉक बोलो, ए टू जेड कोई स्टॉक बोलो, और उसमें देखो यही रूट सेम लगेगा। मंथ में देखो, जैसे आपका नेपाल की बात करो ना, देखो नेपाल में आपको पता है T+2 days चलते हैं, राइट? T+2 या T+3 days चलते हैं। अब इसका मतलब आपके पास क्या है कि आज अगर आपने खरीदा, 3 दिन बाद बेच सकते हो, 3 दिन बाद बेचोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नेपाल में मंथ की कैंडल पर काम करने लगो या वीक की कैंडल पे काम करने लगो, और आपने देखा ये ग्रीन हुई तब आपकी एंट्री हुई, तो आपको 3 दिन तो पता ही नहीं लगेंगे कब प्रॉफिट में निकल गया। अब देखो एक पॉइंट दिखाता हूं, यहीं से दिखाता हूं। देखो अगर मैं इन सबको हटा दूं, ये मैंने क्लाउड भी हटा दिया, मैंने कुछ नहीं यूज किया। अब देखो एक पॉइंट समझना, मंथ के केस में भी वीक में सब कुछ एक ही चीज है जो चलती है, बस हमें समझने का फेर है। देखो मार्केट नीचे आया, ये नीचे आया, कई महीने नीचे आया, आपका मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब मार्केट इस लेवल पर आता है, नीचे से बाय नहीं करनी, नीचे से बाय जब तक एक्सपीरियंस हो जाए मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट गिर सकता है। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को वेट करना है कि मार्केट धीरे 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 इस पोजिशन पे कब पहुंचता है। पहुंच गया ना, जैसे ही मार्केट इस पोजीशन पे पहुंचा, अब मेरे कान एकदम से खड़े हो जाने चाहिए, आंखें बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी चाहिए, अब मेरे को करना क्या है। यहां पर मार्केट दो रिएक्शन करेगा, या तो मार्केट इस जगह से एक रेड कैंडल बना के दोबारा गिर जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, डबल टॉप। यस सर, डबल टॉप। या फिर अगर ऐसे नहीं होगा तो मार्केट दूसरा काम करेगा, मार्केट यहां क्लोजिंग करेगा, हो सकता है मार्केट यहां से रेड कैंडल डाले और रेड कैंडल डाल के ग्रीन कर दे, ये होगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है आपकी एंट्री हो जानी चाहिए या नहीं? यस सर, मंथ के टाइम फ्रेम में, खासकर इसके ऊपर। ये आपका नॉर्मल सा कंसेप्ट है। और हमारा दिक्कत क्या होती है, हम बाय कहां पर करते हैं समझना, हालांकि मैं भी वही करता हूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं गलती हमारी कहां पर है। हम नीचे आता है मार्केट तो हम सपोर्ट ढूंढते हैं ये वाला, राइट? गलत भी नहीं है कोई, मैं भी यही बोलता हूँ, राइट? आपको ये सपोर्ट हुआ, हम बोलते हैं मार्केट सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट पे बाय करना, यही बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बाय है कहाँ, एग्जैक्ट बाय यहाँ नहीं होती, एग्जैक्ट बाय इसके ऊपर होती है। कोई समझ रहे, कहीं पर भी कोई भी स्टॉक उठा के देखो, आपको यहीं पर ही बाय मिलेगी, बाकी जगह बाय नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं, हमारे ट्रेड तो मेरी ख्याल से खत्म ही हो गए होंगे सारे, हाँ ट्रेड हमारे सारे खत्म हो गए, कोई और बचा हुआ है? ये देखो ये मैंने रखे हैं PNB, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, आज भी कितने अभी चल रहा है 8,000, इसको और ऐड कर लेते हैं, कम से कम 100 यहाँ से और ऐड कर लेते हैं, ये मैंने 100 ऐड कर दिया यहाँ से, तो मेरे आगे 100 में जो प्रॉफिट हो उसमें से ले लो, ठीक है? ये लगभग देखो 9,000 का हुआ, मैंने 7,300 के खरीद डाले, तो ये आप मेरे पास रहेंगे 100 क्वांटिटी, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट दे देगा। ये पॉइंट समझते हैं जरा, मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा था आपको, 5-10 मिनट लेते हैं और उस पॉइंट को समझते हैं जरा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कोई भी सभी SBI यदि उठाओ, यहाँ पर अगर SBIN की मैं बात करता हूँ, तो SBIN का अगर मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम ले लूँ, अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है छोटा टाइम फ्रेम ले लो, आपका मार्केट का बाय असल में कहां पर बन रहा है? यहां तो बिल्कुल भी नहीं है ना, राइट है? यही समझना, ये साइकोलॉजी समझ जाओगे प्रॉफिट हो जा शुरू होगा, लेकिन वो साइकोलॉजी हम समझते नहीं है। हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं ऊपर, सॉरी हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं नीचे, मेरा ये सपोर्ट है, हमारी साइकोलॉजी बिगड़ रखी ना, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या, उनका हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, यहां पर
हम देखते हैं, मैं भी आपको बोल रहा हूं कि भाई मार्केट यहां से अगर रेड कैंडल बनाएगा और उसके बाद अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा तो बाय होगा, यही तो बात करते हैं हम। यस सर, लेकिन सर मिनिमम बाय होगा वो, लेकिन वो इसके चांसेस कितने ऊपर जाने की, इसके 50-50 चांस है कि नहीं है। राइट सर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना है रूल के मुताबिक अभी टाइम फ्रेम में मार्केट किसके ऊपर बाय बनाता है। तो आप आपको देखना है कि ये मार्केट कैसे ऊपर जाता है, बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है या धीरे धीरे बना के। अब आपको कई हफ्ते एक दो महीने लग जाएंगे, लेकिन जब यहां पहुंचे मार्केट तो यहां पर रिएक्शन शुरू हो जाना चाहिए आपका या नहीं। यस सर, जब भी होगा। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया, असल में रूल के अकॉर्डिंग तो इसके ऊपर बाय थी कि नहीं थी। आपने अगर यहां से बाय ले भी थी, ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ मैं बोल रहा हूं, लेकिन मार्केट गया तो नहीं बाय में, मार्केट आ गया नीचे या नहीं। यस सर, और आपका मार्केट तो इस समय डाउन ट्रेंड में आ गया और आप यहां पर बाय करने की सोच रहे हो, तो गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं। यस सर, मार्केट जाएगा नहीं ऊपर अभी। ऐसे बहुत सारे रूल है जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो मार्केट वापस आपको बड़ा मूव देके चला जाएगा। जैसे ये भारतीय डर है, अगर भारतीय डर को देखते हैं यहीं से देखते हैं, देखो यहां पर क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया, मंथ वीक टाइम फ्रेम में बात करते हैं, ये मार्केट नीचे आया, यहां मेरा कोई बाय नहीं है रूल के मुताबिक, मेरा बाय इसके ऊपर होता है कि नहीं, मतलब मेरी बाय इस एरिया में होती है, अगर यहां से कोई ग्रीन कैंडल बनेगी यहां कर से तो मेरी बाय बन जाती है। अब मेरा बाय देखो मार्केट ग्रीन आ रहा है, ये बन रहा है, तो क्या मेरा बाय यहां पर है, देखो नीचे कर रहा हूं अलग बात है, लेकिन है नहीं मेरा बाय, मेरा बाय तो इसके ऊपर है, मेरे को अभी वीक के अकॉर्डिंग 2 या 3 वीक और इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं। जी सर, अगर इसी पॉइंट को मैं ले आऊं एक दिन में, सारा उठा के एक दिन में ले आते, वीक टाइम फ्रेम में दूर आएगी मेरी बाय और डे टाइम फ्रेम में जल्दी आ जाएगी। तो आप देखो मैं अगर इसको इसकी बात करता हूं, पॉइंट समझने क्या है ना सारे के सारे, ये देखो मार्केट आया डाउन में, मार्केट डाउन आया डाउन में, मेरे को देखना है यहां पर मार्केट का रिएक्शन क्या इस पॉइंट। यहां पर बड़े ऐसा भी कर सकते हो, बड़े टाइम की ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन में ही चला जाएगा मार्केट, अगर बड़े टाइम की रेड कैंडल बन गई तो मार्केट रेड में निकलना शुरू हो जाएगा। आप किसी को भी इस समय डे टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ, देखो स्टॉक को कोई मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा। ये देखो ये मार्केट डाउन में है इस समय, आपका बाय नहीं निकालेगा ना, निकलेगी नहीं ये बाय इसके ऊपर निकलेगी, तो आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं। अब देखो मैं आपको स्टॉक स्क्रीनिंग बता रहा हूं, आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं जो कि अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और नीचे से ऊपर जाके हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो काम के होंगे या नहीं। यस सर, और हम ढूंढ रहे हैं नीचे के स्टॉक, ठीक है आप ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो मार्केट नुकसान दे सकता है आपको नीचे से। अब देखो जैसे ये जील है, जील अपने हाई के मिड पॉइंट पे आया, तो इसका मतलब 1 या 2 दिन में जैसे ही इसके ऊपर चलेगा तो मेरा बाय बन सकता है। यस सर, ऐसे को पकड़ के रख लो। पीएनबी है, पीएनबी देखो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, आ रहा है, मैंने 100 क्वांटिटी बाय करी है, देखो 100 क्वांटिटी बाय करी आपके सामने मैंने रखी हुई है, उसका रीजन क्या है पीएनबी का। पीएनबी को अगर मैं चेक करता हूं तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर मेरी बाय है कि नहीं है, कम से कम लास्ट में भी यही है, तो मार्केट देखो इसके 50% के ऊपर चल रहा है, मतलब इसके आसपास ही चल रहा है, तो मार्केट को मेरे को केवल ऑब्जर्व करना है डे टाइम फ्रेम में कि जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंचे और यहां ग्रीन कैंडल बनाए तो मेरे को बड़ी क्वांटिटी ऐड हो जानी चाहिए या नहीं, यहां पर उसी टाइम, तो एक बड़ा मार्केट मेरे को एक मूव दे देगा। अब देखो मार्केट गैप है सर, और क्या, और देखो ये गैप गैप कौन सा है बताओ, कौन सा गैप है, इनिशियल गैप है, इंट्रिंसिक गैप है, ये आपका गैप भी अच्छा बना हुआ है तो नीचे आने के चांसेस है नहीं इसके, इंट्राडे में भी बाय करके रख सकते हो चाहे तो होल्डिंग में बाय करके रख लो। आप देखो कोटक बैंक को रूल के अकॉर्डिंग आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में बैठा हुआ है, 50% के भी लो में बैठा हुआ है, तो होगा नहीं ना मेरा बाय, करना ही नहीं है, आप उसे रोको। देखो रिलायंस एक बाय में आ रहा है कि नहीं, पॉलीकैब देखिए सर, पॉलीकैब एक मिनट मैं पॉलीकैब भी देखता हूँ, आप बताए रिलायंस एक बाय में आया नहीं है मगर ट्राई कर रहा है कि नहीं। यस सर, हाँ देखो, लेकिन एक पॉइंट नोट करना, एक पॉइंट और यहाँ पर ही समझाता हूँ वो भी शायद काम का हो जाए आपके, मेरी बाय बनती है यहाँ पर, मार्केट जब ऊपर चलेगा तो उसको सबसे पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा कि नहीं, लो का,
मार्केट अपने लो के रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहां तक चला जाएगा। मेरे को अभी एक या दो दिन और वेट करना पड़ सकता है रिलायंस के लिए, करना पड़ सकता है। या तो मार्केट यहीं कहीं से गिर जाएगा नीचे, या फिर एक या दो कैंडल में यहां तक पहुंचेगा। जिस टाइम मार्केट यहां पर पहुंचे तो मेरे को देखना है रेड कैंडल अगर बन रही है तो ग्रीन कन्वर्ट हो, और अगर ग्रीन ही बन रही है इसके ऊपर तो मैं डायरेक्ट बाय भी कर सकता हूँ, लेकिन बाय इसके ऊपर होगी बहुत अच्छी बात। बस ये मेरे को ध्यान रखना है। पॉली कैप को अगर मैं देखता हूँ, बस छोटे छोटे पॉइंट ही तो है जिसको आप याद रखोगे तो आपको बाय मिल जाएगी, नुकसान की कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो पॉली कैप, अच्छा एक बात बताए पॉली कैप कहाँ पर है इस समय, बताए बाय करने लायक है या नहीं है, बताए? नहीं है सर नहीं है पॉली कैप बाय करने लायक। अब देखो पीछे पीछे दिखाते हैं, पीछे डाउन गिरा देखो, और मार्केट का इसके ऊपर बाय बनता था। ध्यान से चेक करना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर दो पॉइंट चेक करने के। मार्केट देखो अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा, रेड कैंडल बना रहा है, तो मार्केट का ये जो मूव है मार्केट इसके मिड पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए डाउन देते हुए, राइट? मेरे को डाउन में कोई बाय नहीं करनी, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलेगा बाय हो जाएगी या नहीं? तो ये भी रिएक्शन है कि मार्केट अपर अपर एरिया में क्या करता है, डाउन लेगा तो मेरे को यहां पर बाय नहीं करनी, फिर वेट करना है मार्केट को ब्रेक करने का, तो फिर से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपका मार्केट बाय करेगा। अभी देखो मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं है सदी से, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। देखो अगर मैं इसको वन आर में देखता हूं तो वन आर में ये देखो मार्केट नीचे चल रहा है। अगर मार्केट को जाना भी है, छोटा मोटा भी बाय लेना है, तो कम से कम इसके ऊपर तो जाना चाहिए या नहीं? छोटे मोटे बाय के लिए अगर बाय होना है, वैसे तो है नहीं, पर अगर होगा भी तो मार्केट की डाउन वेव ये है, मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए। आप चाहो तो यहां से जाके इसको 5 मिनट में भी चेक कर सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको 5 मिनट में क्या बोल रहा हूं। ये देखो मार्केट इसके ऊपर मेरी कोई छोटी बाय बनाएगा, है नहीं बाय लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि सपोज ये बाय हो तो मार्केट यहां जाना चाहिए। मैं 5 मिनट में जाके देख रहा हूं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अपनी किसी 5 मिनट में एन वेव को ब्रेक करके जाना चाहिए या नहीं? यस सर, पहुंचना तो यहीं पर ही है, मेरी बाय यहीं पर ही है, इसको ब्रेक करेगा तभी बाय होगी, लेकिन इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम की मार्केट एलवे बनाता हुआ तो जाएगा ही ना। और अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, डायरेक्ट कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मारू वजू बन गई, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी यहां पर या नहीं? yes, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो फिर उस केस में मार्केट आपको एक नुकसान कर जाता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, बाय मेरे यहां पर ही है, देखो मार्केट कहीं पर भी, मार्केट ने अपने इसको ब्रेक तक भी नहीं किया ना इस लेवल को ना इस लेवल को, तो मार्केट की कोई बाय बन दे दी है, इसके ऊपर इसके नीचे मार्केट की एक सेलिंग बैठी है, तो आपका पी आपको प्रॉफिट देखे जा सकता है, छोटा सा प्रॉफिट आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर। और भी देख लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक है, किसी को भी पकड़ दें, जो मर्जी पकड़ेंगे। देखो ये बस ये बात ध्यान रखना, जो भी अपनी एन वेव के डाउन पे उसको आपको नहीं रखना कंसर्वेशन में, और मार्केट के अगर हायर पॉइंट पे घूम रहा है वो आपके काम का है। तरीके तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये पार्ट आपका ज्यादा अच्छा काम करेगा मेरे ख्याल से। अब देखो ये यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिखाता हूँ, ये कौन सा टीसीएस, टीसीएस मैंने बोला था बाय पे आएगा, कल भी बोला था मैंने, इसको जरा एक पार्ट चेक करें। ये मार्केट के अंदर ये मार्केट ने क्या किया आज, इसे जबकि गैप अप खोलना चाहिए था, टीसीएस एक बाय में जाने की तैयारी में, ठीक है? अगर मैं देखता हूं तो TCS का एक डाउन कहां पर है वन डे के अंदर, कौन सा बन रहा है ये देखो, TCS अपने हाईएस मतलब अपने पुराने वाले हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहां से देखोगे तो TCS अपने पुराने वाले हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये रहा है डन, और नीचे मार्केट का साइडवेज मार्केट बन गया ये वाला। अब मार्केट इसके अपर एंड को ब्रेक कर रहा है, मगर एक छोटा सा इशू है, इशू क्या है? अब देखो मार्केट ने पुराना जो आपका ये लेवल था, जो पुराना हाई बना था उसके ऊपर मार्केट निकल चुका, तो मार्केट का एक बाय बनता है। अगर आप कोई कॉल लोगे भी इसकी तो कहां तक की कॉल आपको लेनी चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग आपको बस यहां तक की कॉल लेनी चाहिए 3425,
3425 तक की मैक्सिमम कॉल आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं लगा के भी देखूं 3425 की कॉल, 3420 पे लगा लेते हैं, नवंबर की कॉल दे देते हैं, ठीक है। दिसंबर में तो आएगी नहीं, नवंबर की कॉल 47 की पड़ रही है आपको, देख रहे हैं। और कितने रुपए की पड़ रही है इसको भी चेक कर लेंगे, देखो इसको कितने की पड़ रही है। ये कॉल आपको पड़ रही है लगभग 8000 रुपए की और 175 का आपके पास ही है, तो नवंबर की कॉल है, कोई बुराई भी नहीं है इसमें, इसको लिया जा सकता है, 8000 की कॉल है। और देखो ये जीरो दाखा ना, ये देखो ये इशू बहुत बड़ा है, इसीलिए लोग जीरो दा से शिफ्ट कर जाते हैं। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, जो लोग भी ऑप्शन में काम करते हैं जीरो दा क्यों गड़बड़ करता है। अब देखो पॉइंट समझना, मेरे को पता है कि मार्केट यहां पर, देखो मेरे को पता है मार्केट यहां से ऊपर चलेगा तो यहां तक का मार्केट जा सकता है, तो मैं थोड़ी दूर की कॉल दूंगा, 3380 पे ले लेते हैं, चलो इसको 3380 की कॉल ले लेते हैं। और सॉरी 3380 के नवंबर की कॉल, ये आपके पास कॉल है 67 रुपीज की पड़ रही है ये आपको, और ये कितने रुपए की, सॉरी कितने की पड़ रही है, 11000 की, 11000 की आपको पड़ रही है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है इसको, तो हम ये देखो ये भी मना कर दिया, 3380 भी मना कर देते हैं, ठीक है। 3380 कहां पर पड़ रहा है, 3380 ये तो ले लेनी चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है, मार्केट ये करता है। और ये जीरोदा के अंदर इशू है कि जीरोदा इसको ले नहीं देगा। आप देखो एक पॉइंट की मार्केट साइडवेज से उठ रहा है, ये यहां तक जाने के लिए रेडी होगा कि नहीं बताओ, तो मैं यहां की कोई कॉल उठा सकता हूं नवंबर के, लेकिन जीरोदा इनको लेने नहीं देगा। यहां पर मैं दोबारा लेके देख लेता हूं, देखो आपके सामने इसको हटा लेता हूं मैं, यहां से मैं ले रहा हूं TCS 3380 79 पे चल रहा है, ये देखो 3378 पे चल रहा है, 3380 को देख लेते हैं और कॉल लेते हैं, देखते कौन से नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, मैं नवंबर की कॉल ले रहा हूं, ये देखो, और ये 67 रुपीज की पड़ रही है मेरे को, और इसे लेके देख लेते हैं, अगर लेने देगा तो मैं ले भी दूंगा इसको। देखो ओवरनाइट ले रहा हूं मैं 175 क्वांटिटी, और ये ब्लॉक, ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए आपको हमेशा एक ब्रोकर ऐसा चाहिए, एक ब्रोकर ऐसा चाहिए जो कि आपको आराम से ये काम करने दे। सर एंजल में 67.60 रुपए की दिखा रहा है, हाँ देखो एक बार लॉट 11000 कुछ का दिखा रहा है, 11000 कुछ, आप यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे सर मेरे को ऑप्शन में दूसरे ब्रोकर पे जाने की क्या जरूरत है, जरूरत मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों जरूरत है। आप अगर अपने एनालिसिस कर रहे हो, पॉइंट समझना, आपका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस बोलता है कि मार्केट यहां तक जाएगा, राइट, मतलब 3500 तक जाएगा मार्केट, तो 3500 की कॉल मेरे को काफी कम की पड़ जाएगी नवंबर की, या नहीं, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। मैं TCS की 3500 की कॉल, देखो 3500 की नवंबर की कॉल मेरे को 20 रुपीज की पड़ रही है, और बाइंग में मेरा केवल 3000 रुपए की पड़ रही है। मेरे को पता है मार्केट वहां तक चला जाएगा नवंबर तक, तो मैं इसको ले लूंगा, लेकिन अगर मैं इसको लूंगा तो मेरे को लेने के लिए मना कर देगा, ये देखो, देख लेते हैं लेके, ये देखो ब्लॉक। तो आपको वो ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जो कि जितनी दूर की मैं कॉल लेना चाहूं, यहां की लू, यहां की लू, कहीं का भी ले लेते मेरे को, ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी जगह पे आपको फिर फ्यूचर खरीदने पड़ते हैं, जबकि कॉल आपको इजिली यहां से पैसा देके चली जाते, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। TCS कितना पड़ रहा है, 3380, तो देखो अब यहां पर इस जगह पर आपके अगर इक्विटी लोगे, समझो जरा, इधर अगर इक्विटी लोगे तो इक्विटी आपको कितने की पड़ रही है, अगर मैं 10 क्वांटिटी खरीदूंगा तो 33780 रुपए की पड़ेगी या नहीं, 10 स्टॉक। और अगर मैं यहां से ऑप्शन खरीदता हूं तो ऑप्शन लगभग मेरे को 3000 रुपए का पड़ रहा है, और कितनी क्वांटिटी, 175 क्वांटिटी। अगर मैं फ्यूचर खरीदूंगा तो फ्यूचर की भी 175 क्वांटिटी लगभग 1.5 लाख के आसपास की मेरे को पड़ रही होगी। यहां पर मैं दिखा देता हूं TCS का फ्यूचर कितना पड़ रहा है, ये अगर मैं फ्यूचर भी खरीदता हूं नवंबर का, तो देखो नवंबर का फ्यूचर लगभग मेरे को 1 लाख का पड़ रहा है, देख रहे
यही पॉइंट होता है जो कि आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। मैंने ये दे रखे तो अभी ये नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो इसका फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर खरीदना चाहे तो यहाँ पर से पीसीएस शायद अच्छा काम करेगा, ठीक है। उससे आप ले स्टॉप लॉस, अगर यहाँ लेंगे तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे सर इसका? अगर यहाँ पर लोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा आपको। आप ले क्या रहे हो, ऑप्शन ले रहे हो या फ्यूचर लोगे? ऑप्शन ले रहा हूँ सर। ऑप्शन लोगे तो ऑप्शन कोशिश करना कि ऑप्शन आपका लिया है 3420 का। मैंने भी लिया है 4780 पे ले ले। हाँ इसको, हाँ यहाँ तक ले सकते हो, कोई इशू नहीं। मेरे इसमें कोई इशू नहीं। आप एक बार जीरोधा लेने दे रहा है बताओ? नहीं जीरोधा में नहीं, एंजल में लिया मैंने जीरोधा। हाँ तो जीरोधा देखो मना कर दिया आपको सीधा, इसमें और अपनी में तो लेने देता है। मेरे तीन अकाउंट है ना सर। हाँ नहीं देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दूसरा कोई अकाउंट चाहिए टीसीएस का क्या क्या लगा है आपने? कहाँ तक जाएगा बोला? 3300 ये टीसीएस देखो, टीसीएस कहाँ जाके रुकेगा? एक मंडाई को बात करें, एक मंडाई को कहाँ जाके रुकेगा टीसीएस? यहाँ पर ये देख रहे हो, पहले 3450 पे रुकेगा। अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो फिर आपका 3500 तक जाएगा। ये इसका एक लेवल बन सकता है यहाँ पर, और उसके ऊपर चला गया जो भी चलेगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक जा सकता है क्योंकि मार्केट अपने साइडवेज मार्केट को सपोर्ट करके अब ऊपर चल रहा है। बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट चल रहा है। इसका ऐसे कितना रख सकते हैं? ऐसा अगर आपको रखना है तो इतना नीचे मत रखना। इसका ऐसा ये जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया राइट, इसके नीचे कहीं पर भी रख दो, मतलब यहाँ ना रख के अपना ऐसा यहाँ रख, मतलब 15-20 रुपया हो गया। 15-20 रुपए का आप रख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कितना पड़ रहा है, देख लेता हूँ। यहाँ पर 3340 मतलब 20-30 रुपए का एसएल रख, 20 रुपए के आसपास का एसएल रख सकते हो आप। छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लो, छोटे टाइम फ्रेम में शायद कोई अच्छा और एसएल आ रहा हो। यहाँ पर देखो अगर आप एसएल लोगे तो इसके नीचे रख सकते हो 3357 के आसपास अगर रखना चाहो तो। पर मेरा एडवाइस ये है कि 3350 पे रखो, ठीक है, यहाँ पर रखो, यहाँ ना रखे इसको, यहाँ पर ऐसा रखो 3350, ठीक है, यहाँ पर आपका सही रहेगा। लेकिन एक बार इसको लेवल को टेस्ट कर लेते हैं तो जैसे इसके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से क्लाउड से भी चेक कर ले, क्लाउड में देखो क्या करने वाला है, आपको अपने आप दिख रहा है क्या करने वाला है ये। इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर निकला तो आपका एक मार्केट में मूवमेंट बन जाएगा। ये देखो चिकाउस पेन भी पास में आ रही है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। वेट करने का मतलब मार्केट एकदम से सडन ऊपर ना जाके, चिकाउस पेन दूर है तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज बन सकता है 2-4 घंटे या नहीं हो सकता है, तब मार्केट आपका मूव करना शुरू करेगा, अभी नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसके साथ में आप काम कर सकते हो आराम से अपना। चलो देखो एक पॉइंट यहाँ पर और दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट इसके ऊपर गया तो बेस लाइन के ऊपर, लेकिन चीका उस पैन क्रॉस करने गई नहीं ना, तो आप बहुत जगह पे ऐसे बच जाते हो। तो मार्केट अगर इसके ऊपर कल हो सकता है आज जाइए कॉल, तो कल अगर इसके ऊपर खुला और ये आपका इधर क्रॉस करने आ गया तो आपकी कॉल बढ़ जाएगी आराम से, या नहीं आराम से निकल जाएगी कॉल, आपकी फायदा मिल जाएगी। तो यही छोटे छोटे पॉइंट है, इनके साथ ही ट्रेडिंग होती है। 5 मिनट भी मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट में भी मार्केट को तब तक बाय मत करें जब तक मार्केट अपने हाई लेवल के ऊपर ना निकले। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं, फिर क्लास को रुकता हूँ। ये देखो मार्केट में ये नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे बाय कोशिश करो ना करो, मार्केट को देखो अपर एंड में कैसे आ रहा है। अपर एंड में जाके मार्केट गिर सकता है राइट, यही होगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो इसके नीचे आना चाहिए ना गिरने के लिए, या नहीं? अगर मार्केट यहीं पर ही है तो उम्मीद रखो कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर वेट करना है कि नीचे आता है या ऊपर, आपको तो यहाँ बाय नहीं करनी ना। आप बताओ, मेरा तो ये बाय का सेक्शन ही नहीं है ये वाला, तो नहीं है। या तो मार्केट इधर चला जाए या नीचे, अगर नीचे आएगा तो सेलिंग की तरफ आ सकता है, अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ बाय की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट बाय में जा रहा है, आप यहाँ पर एक काम और चेक कर सकते हो, डायरेक्ट बाय ना करके लेवल को टेस्ट करने दे सकते हो, टेस्ट करने देने पर भी आप ऊपर बाय कर सकते हो। ये भी बहुत सारे तरीके, किसी से भी आप बाय कर सकते हो। तो आज देखो हमारे ट्रेड ऑलमोस्ट शायद खत्म हो गए हैं हमने, अच्छा ये 100 क्वांटिटी ये भी ली होगी हमने,
तो ये हमने पीएमबी की क्वांटिटी भी बाय करके रखी हुई है देखो, और ये पीएमबी, अच्छा ये भी मैंने बाय किए हुए, अच्छा ये देखो मैंने ऑर्डर लगा के रखे हुए थे, ये इसमें 10 क्वांटिटी यहाँ भी उठा ली, कौन से ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये देखो पीएमबी के जीटीटी ऑर्डर लगे पड़े हैं सारे या नहीं, सारे, ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये पड़ा है 73, 58 पे, बहुत है, तो अभी देखो सारे के सारे इसमें जो ऑर्डर है वो लगे हुए अपने आप उठाता जाएगा, तो 100 मैंने ले लिए थे, 10 इसने और उठा दिए, तो 110 हो गए यहाँ से, तो अब ये जितना आपका लॉस है वो कम कर देगा, लॉस कम करने में हम अपने इसे निकाल देंगे, वैसे इसे कितने करने, लगभग 3-4 हजार, 5 हजार कर देने, इतना मार्केट ऊपर चलेगा तो अपने प्रॉफिट दे जाएगा, ये लॉस जो होता है ना, ये लॉस को भी आप एक तरीके से रिकवर कर सकते हो, मैं कैसे करता हूँ मैं दिखा देता हूँ, मेरी आदत क्या है कि जितना मेरे को यहाँ लॉस हो रहा होता है ना, जितना भी डे का लॉस होता है वो मैं यहाँ प्रॉफिट कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा वहां लॉस होता ही नहीं, जितना वहां लॉस हो रहा होता है यहाँ प्रॉफिट कन्वर्ट होता जाता है, तो मेरा वहां लॉस में मानता नहीं, मेरा बच जाता है वहां पर लॉस, मैं ये तरीका कर लेता हूँ, तो अभी तो आपका ये चल रहा है, अब चलता जाएगा जितना ऊपर जाएगा, चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, उसको रख सकते हो, ठीक है, चलिए मैं क्लास को फिर रोकता।